आज एक बार फिर तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री जो हैं वो आरजेडी कार्यालय पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरह से वो पहुंचते ही गाड़ी से निकल रहे हैं और कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीतें कर रहे हैं, तो किसी के पीठ पे जो है हाथ रख रहे हैं, उनसे बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीर में वो की बात कर रहे हैं और लोगों से धीरे धीरे जो है वो अंदर की तरफ गए और तमाम जगह जो है वो घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे उनके साथ जो है वकीलों की फौज मौजूद है, जो है वहाँ से जब आए तो उनके साथ वकील भी थे, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से उनके साथ वकीलों की फौज है। और जब वो आरजेडी कार्यालय पहुँचे, फिर जो है नीचे से जो ऊपर गए, उसके बाद वो जब बाहर निकल रहे थे फिर वो मीटिंग रूम में गए हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं लोगों से। क्या कुछ मीटिंग में निकल के आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त लगातार मीटिंग चल रही है। हम इस वक्त सीधे तस्वीर आरजेडी कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं इस तरह से वो पहुंचे हैं और लोगों से, कार्यकर्ता से, नेता से बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि तेज प्रताप यादव जब भी आरजेडी कार्यालय पहुँचते हैं तो कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो जाती है। नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, तमाम लोग जो है उनमें हलचल देखने को मिलती है। लेकिन जब आज पहुंचे हैं तो उनके साथ वकीलों की फौज थी। इससे पहले भी आपने देखा कि लालू यादव जब आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे उस टाइम भी वो और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त जब वो पहुंचे हैं तो उनके साथ वकीलों की फौज नज़र आ रही है। और साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो छत पर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं और लोगों से कह भी रहे हैं तमाम चीज़ें। जब भी वो पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ हलचल हुई है। चाहे बात करें जगदानंद सिंह से, आपने पिछली बार देखा कि वो जब पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उनके साथ जगदानंद सिंह के साथ कुछ हलचल हो गई थी, कुछ बातें हो गई थी, लेकिन इस बार इस तरह की कोई खबर नहीं। जगदानंद सिंह अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज अचानक आरजेडी कार्यालय पहुँचते हैं और कार्यालय पहुँचते ही लोगों से मिलकर बातचीत करने लगते हैं। फिर जो है मीटिंग रूम में बैठे हुए लगातार मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या कुछ निकल के आएगी वो भी पहुंचाएंगे, लेकिन मीटिंग में क्या कुछ मीटिंग हो रही है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।